तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिड़ीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति भूरिदा जना। श्री श्री ठाकुर के सत्प्रसंग अवलंबन करते हुए हम लोग चर्चा कर रहे थे वचनामृत पाठ का आचरण विधि कैसे जीवन यापन करने से हम वचनामृत समझ सकेंगे इसका संकेत ठाकुर दे रहे हैं। अगर वो आचरण विधि हम पालन करें तभी हमारा वचनामृत पाठ सार्थक होगा, अर्थात वचनामृत पाठ के जो फल है साक्षात ईश्वर लाभ वो हम कर सकेंगे। इतना ही महत्वपूर्ण है ये किताब, लेकिन ठाकुर कह रहे हैं ईश्वर को निर्जन स्थान में एकांत रहते हुए व्याकुल होकर नहीं पुकारने से ये सब बात धारणा नहीं होता है, समझ में नहीं पा रहे हो, समझ में नहीं पाओगे, ये बहुत गंभीर विषय है। ईश्वर के निर्जने गोपने व्याकुल हुए ना डाकले ईश्वर को तो धारणा है ना। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये सब हम इग्नोर करके हल्कापन से किताब पढ़े तो कुछ तो कल्याण होगा लेकिन इसका जो असली तत्व सार्थक था वो अधूरा रह जाएगा। अर्थात प्रथम जो बताया, तीन चीज बताए, एक है निर्जनता, दूसरा गोपनीयता एवं तीसरा व्याकुलता, तीनों ही जरूरी है। हम आध्यात्मिक जीवन में निर्जनता का प्रयोजनीयता समझ में नहीं पाते हैं। हम समझते हैं ये एक कॉन्ग्रीगेशनल एक आचरण विधि, सब मिलकर भगवान को पुकारे एक साथ, वो प्रथम अवस्था में जरूरत होता है। लेकिन संसार में रहने के लिए प्रथम निर्जनता जरूरी, ये ठाकुर कह रहे हैं। ठाकुर का जो आचरण विधि है, ये जो वचनामृत पाठ करके ईश्वर लाभ करना, ये गृही सन्यासी सबके लिए उपयुक्त है। इन्हें कह रहे हैं कि गृहस्थ होने से नहीं होगा। He has opened the door to realization for everyone, irrespective of householders and sannyasins. Agar we acharan vidhi palan kare. Thakur ye nahi keh rahe hain ki bahut asaan hai, lekin keh rahe hain sambhav hai. Wo kaise sambhav hai uska sanket de rahe hain. Wo avashya palaniya hai, wo anivarya hai. Usme se pratham जो पालन यह है कि निर्जन वास, निर्जनता। क्यों निर्जनता का प्रयोजन है इसका भी व्याख्यान ठाकुर अन्यत्र किए हैं। याद रखिए जब मास्टर महाशय वचनामृत में द्वितीय दर्शन का उल्लेख किए थे मार्च 1882, तभी
भगवत दाव का सार संदेश ठाकुर ने दे दिया, पहले ही दे दिया। फिर बाकी वचनामृत में उसका व्याख्यान किया है मास्टर महाशय, पहली जो सार है उल्लेख कर दिया द्वितीय दर्शन में, और वहाँ पर ठाकुर ने विस्तार से व्याख्यान किया निर्जनता का क्या जरूरत है और कब जरूरत है। ठाकुर को जो बहुत पॉपुलर उदाहरण है कि संसार में रहते हुए भगवान को पुकारने के लिए हमें प्रस्तुति चाहिए, उदाहरण देके बताया संसार मानो पानी और मन मानो दूध। हम दूध जैसा है संसार पानी जैसा है, तो पानी के साथ दूध डाल देने से जो घोल मिल हो जाता है फिर उससे अलग नहीं किया जाता है, करना संभव है। अगर दूध को डायरेक्टली पानी में डाल दिया जाए फिर दूध और दूध नहीं रहेगा, वो मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम प्रस्तुति बिना संसार में रहते हुए भगवान प्राप्त करने चाहें वो होगा नहीं। तो उसका उपाय क्या बताया, अगर वही दूध को दही जमा कर मंथन करते हुए मक्खन बना लिया जाए तो मक्खन अगर पानी में रख दिया जाए वो मिलेगा नहीं, बसते रहेंगे। लेकिन वो पहले ही अगर दूध अवस्था में दिया जाए तो मिल जाएगा। तो संसार में रहने के लिए प्रस्तुति कि मन रूप दूध को मक्खन बनाना जरूरी, और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, ठाकुर सहज उदाहरण से बताया। दूध को निर्जन स्थान में आपको दही बनाना पड़ेगा, हिलाने डुलाने से दही नहीं बनेगा, निर्जन स्थान में एकांत वास एकांत में छोड़ देना चाहिए। दही में थोड़ा जामुन देकर दूध में अगर हमें हांडी में रख के छोड़ दें तो धीरे धीरे वो दूध क्या होगा, दही बन जाएगा, जम जाएगा। लेकिन उनके लिए प्री कंडीशन क्या है, खुला छोड़ना पड़ेगा, खिलाने डुलाने से नहीं होगा, सूरगुल में नहीं होगा। अगर हम संसार में रहते हुए इतना सूरगुल का वातावरण है तो उस मन में भगवान का चिंतन नहीं होता। इसलिए ठाकुर वहाँ पर कहा है जो निर्जन स्थान में रहने से ये मन में विचार विवेक वैराग्य अपना आप आता है, ये खास बात है, दिस सीक्रेट ठाकुर ने बताया। अगर निर्जन स्थान में भगवान को पुकारा जाए, ईश्वर चिंतन किया जाए, तब अपने आप उस मन में ज्ञान विवेक वैराग्य आ जाता है, यही मन में आएगा। और ठाकुर कह रहे हैं अगर निर्जन स्थान में नहीं रखते हुए मन को संसार में रखा जाए तो संसार नीच दशा प्राप्त होता है, अर्थात संसार में कामिनी कांचन का भाव बंदोबस्त हो जाता है, मन विषयासक्त हो जाता है। वही मन जो ज्ञान विचार जो वैराग्य लाभ करने में अधिकारी था, यद्यपि उसको निर्जन स्थान में नहीं रखा तो हीन दशा प्राप्त होगी, अवश्य होगी, संसार का धर्म ही हुई है। तो मन में कामिनी कांचन का आसक्ति हो जाता है और वो विषयासक्त मन से फिर ईश्वर का आराधना संभव नहीं होता है। इसलिए जो निर्जन स्थान में रहने का प्रयोजनीयता भली बात समझ लेना चाहिए, वाई इज इट नेसेसरी। अगर हम निर्जन स्थान में जैसे कि रखने से दूध दही बन जाता है, वैसे ही मन को निर्जन स्थान में रखने बिना ईश्वर चिंतन स्थायी नहीं होगी।
फिर दही बनाने से ही काम बना नहीं। ठाकुर कहते हैं दही बनाने के बाद उस दही को मंथन करना पड़ता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस। वो दही को अगर मंथन किया जाए तब दही क्या होता है, मक्खन बन जाता है। और वो मक्खन अगर पानी में रख दिया जाए, मक्खन उबलेगा नहीं, भसते रहेंगे, वाटर फ्लोट्स इन वाटर। और एक्चुअली बटर को पानी में इसी करके संरक्षण किया जाता है, यहाँ पर फ्रिज नहीं है, ये सहते उपाय है, तो संरक्षित होगा। अर्थात ठाकुर ने बताया जनक राजा बुनने से ही नहीं होगा, जनक राजा संसार में रहने के पहले अनेक तपस्या किया था, हेट मुंडर होकर अनेक तपस्या किया, तब मन को मक्खन जैसे बना के तब संसार में रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मक्खन बनाते हुए बिना अगर संसार में रह जाए तो घोल बिल्फ हो जाएगा, उस मन से ईश्वर लाभ नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अर्थात ठाकुर ने बताया विचार करना पड़ेगा, निर्जन स्थान में एकांत में जाके भगवान को पुकारना एवं सत असत विचार करना चाहिए। यही है मन को मंथन करना। ईश्वर ही एकमात्र सद वस्तु है, बराबर टिकने वाला है, बाकी जो विषय का आनंद वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील, टिकने वाला नहीं है। ऐसे करके विचार करने से मन ईश्वर अभिमुखी हो जाता है, विषय से वैराग्य आ जाता है। ये विचार विमर्श का फल है एवं उसके लिए एकांत वास, निर्जन वास जरूरी है। ये बताया अगर इस अवस्था में निर्जन वास में निर्जन में रहते हुए भगवान को कोई पुकारते रहें आंतरिक, तो अवश्य उनका मन स्थिर हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा एवं ईश्वर अभिमुखी हो जाएगा। और उस मन में हम तब वचनामृत पढ़ते हुए हम उस समझ में आएगा। तो प्राथमिक जो कर्तव्य है वह है प्राथमिक जीवन में जो निर्जनता जरूरी एवं निर्जनता में एकांत करके रहना चाहिए, उसका है इसके सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज निर्जनता जरूरी, नहीं तो कुछ काम नहीं बनने वाला है। निर्जन स्थान में जैसे जाके दूध को दही बनाना पड़ता है, वैसी मन को स्थिर करने के लिए, स्थायी करने के लिए निर्जनता अवश्य पालनीय। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन हम विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।